सत्ता हटा उसके मोदी जी बहुत अच्छा किया, उसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बीजेपी कितना भी अच्छा काम करेगी विपक्ष उसको गाली देगा ही। आर्थिक गुंडा था, जिसके लिए गुंडा था उसके लिए गुंडा था, जिसके लिए मसीहा था मसीहा था, ठीक। दो आपराधिक मारने के लिए तीन आपराधिक पैदा कर दिए। जब अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के नहीं हुए ना, तो शायद किसी के नहीं होंगे। मुझे ये बताइए, कोई अच्छी बातें बोलने लग जाए तो वो बीजेपी का आदमी हो जाता है क्या यार? ये में रोजगार क्या है? बेचेगा कौन, बेचेगा कौन? नौकरियां नहीं मिल रही है, सब नौकरियां खत्म, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, यहाँ तक ट्रेन और सब बिक जा रही है। एक मिनट, प्राइवेट क्या को बात करता हूँ, सुनिए, कितना आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो काम था, एक मिनट सुनिए, आप मेरी भी तो सुन लीजिए। गवर्नमेंट के काम से हम गवर्नमेंट के काम से नहीं, नहीं आप अगर बात कर रहे हैं कि नहीं प्राइवेट प्राइवेट होना, नहीं नहीं आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं ना, मैं समर्थन करता हूँ, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप कौन सा गवर्नमेंट का काम बताइए? आप कहते हैं कि नहीं बीजेपी गलत करवा रही है, एक व्यक्ति विशेष करता है, समझे? आप आरटीओ में चले जाइए, एक आरटीओ का काम बिना दलाली का आप करवा लीजिए। इसको बढ़ावा कौन दिया? बढ़ावा कौन दिया है? हमने आपने बढ़ावा दिया ना, तो आप इसको बीजेपी को कैसे, बीजेपी कैसे जिम्मेदार? बीजेपी देखिए जिम्मेदार नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि तो आप क्या आप प्राइवेट कर दे रहे हैं, सरकार को कोस नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म कर दे रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो प्राइवेट क्यों कर दे रहे हैं? मोदी जी कुछ चलिए साइड कर देते हैं, दूसरी पार्टियों की बात करते हैं, तो कौन हमारे हिसाब से जो लग रहा है कि महंगाई कम कर देगा और जो भी आपकी परेशानी उसका हल? देखिए लग नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी? बिल्कुल समाजवादी पार्टी, क्यों कह रहे हो? देखिए क्योंकि कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है। अतीक किसका किसका पालो? अतीक, अतीक ठीक, आप अतीक का नाम ले लीजिए, बहुत सही बोले, मैं प्रयागराज से ही हूँ। अतीक गुंडा, मैं बताऊँ, अतीक गुंडा था, जिसके लिए गुंडा था उसके लिए गुंडा था, जिसके लिए मसीहा था मसीहा था, ठीक। दो आपराधिक मारने के लिए तीन आपराधिक पैदा कर दिए, किए कि नहीं किए? किसने किया? हत्या हुई जो मरवा, अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एक मिनट, आपको बिल्कुल जानता बता रहा हूँ पूरा शुरू से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अतीक अपराधी को मारने के लिए तीन अपराधी पैदा कर दिया, और उमेश पाल का क्या हुआ, राजू का क्या हुआ, जिनकी जमीन हड़पी उनका, ये गलत हुआ कैसे फिर? मैं मार रहा हूं, मसीहा कैसे बोल दिया? मैं मसीहा मैं बोला ही नहीं। क्या बोला इन्होंने? मसीहा थे, मसीहा थे, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ किस, जिसके लिए वो अपराधी थे उसके लिए अपराधी थे, और जिन लोगों को वो मदद किए उसके लिए मसीहा थे। अभी मान लीजिए मैं इनका मदद करूँगा, इनके लिए तो मसीहा ही बन गया ना, और मान लीजिए मैं इनको गोली मारूं, इनके लिए अपराधी बन गया। समाजवादी पार्टी इतनी ही मजबूत होती तो इस तरीके से क्यों बिखरती हुई नजर आती, क्यों अपना वर्चस्व खोती? देखिये मजबूत होती या नहीं होती वो अलग विषय है, मजबूत तो है ही, क्योंकि देखिए अभी सरकार भी बनाए थे, अभी उसमें पार्टी में कुछ कमियां हैं, उसको अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दूर कर रहे हैं उसको। अतीक का आपने बोला, लेकिन जो तीसरा एंगल जुड़ रहा है वो तो अखिलेश यादव पर भी जुड़ रहा है। क्या अखिलेश यादव जी पे तीसरा एंगल जुड़ रहा है, ये सही बात है, लेकिन देखिए उनके पार्टी के वो सदस्य थे, इस वजह से जब 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 एक मिनट, जब अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के नहीं हुए ना, तो शायद किसी के नहीं होंगे। क्यों? वो पूरे पूरे सांसद में, पूरे सांसद में छोड़ी, उन्होंने पूरे माइक पे अपने पिताजी को हटा दिया था। कहां से हैं? यूपी से। यूपी से? कह रहे यूपी का इतना विकास हो रहा है, कैसे दो बार मुख्यमंत्री बने? नहीं विकास के खुश है तभी तो लाई। देखिए विकास के मामले में, अपने मुद्दों के मामले में आप कितना भी मुद्दा अपना बता सकती हैं, जब मैनुफेस्टो आता है पूरा मुद्दा मैनुफेस्टो से भर जाता है, आप उस मैनुफेस्टो पे कितना वर्क करते हैं। 2017 को उठा लीजिए, इन्होंने कहा था सबको लैपटॉप देंगे क्योंकि अखिलेश ने दिया था, उसका काट करके इन्होंने सरकार में आ गया, एक बंदे को भी लैपटॉप नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? ये नहीं देखिए, मैं वो चीज़ मानता हूँ कि जहाँ चीज़ जो बातें हो रही हैं, लैपटॉप की बातें हो रही है, लैपटॉप भी मिले हैं, किनको मिले हैं मैं ये भी बता देता हूँ, जो 80% से अबव हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये चीज़ आप देख सकते हो सर्वे, आप कहीं पे भी गूगल सर्च कर लो, वहाँ पे मिले हैं, मैं नहीं नहीं वहाँ पे मिले हैं, मैं भी ये तो आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है। मैंने फर्स्ट की बात अगर इन्होंने अभी बोला ना, दो मिनट में फिर से बोलता हूँ, ये बोल रहे हैं कि नहीं पांच टॉपिक पे छोड़ के किसी और पे बात ही नहीं कर सकते बीजेपी वाले, मैं एक चीज़ बात करता हूँ कि आज ये बताइए, धर्म की बात हम सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप ये बताइए जब कैराना का मामला हुआ था, सपा की सरकार थी, क्या हुआ था, क्या हुआ था कि सबको पता है, वहाँ पे चुन चुन के सबको दिया गया था मुआवजा कि भाई ये ले लो, मुस्लिम हो तुम, हिंदू हो तुमको नहीं मिलेगा, तुम मुस्लिम हो तुमको मिलेगा, ये सारी चीज़ें हुई थी, मैं किसी धर्म और इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। जब हाँ जब 370 हटा था ना, 370 हटा था ना, तो आप ही लोग ना उसको गालियाँ दे रहे थे। बिल्कुल नहीं सर, 370 जो हटा उसका मैं अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ, विरोध विरोध कर ही नहीं रहे, 370 जो हटा है वो अपना देश आया अपने पास। नहीं 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 हटा तो सब गाली देते, नहीं 370 हटा उसके मोदी जी बहुत अच्छा किया, उसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 370 नहीं हटा था सब गाली दे रहे थे, 370 हट गया तब भी लोग बीजेपी गाली दे रहे हैं, गाली नहीं दे रहे,
बीजेपी कितना भी अच्छा काम, मतलब क्या बीजेपी कितना भी अच्छा काम करेगी विपक्ष उसको गाली देगा ही। लेकिन मोदी जी के काम से संतुष्ट नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। हम बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हैं, आईआईटीस किए हैं, नौकरी मिला ही नहीं है। एक मिनट, ये किसकी फॉल्ट है? नौकरी, नौकरी आपने, एक मिनट सुने, रुक जाए भाई। आपने कहा, आपने क्या बोला कि मैं आईआईटी से बीटेक हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली, किसकी फॉल्ट है? किसकी फॉल्ट है आप बताइए, किसकी किसकी फॉल्ट है बताइए। जब फॉल्ट इसमें, फॉल्ट इसमें गवर्नमेंट की है, उन्होंने गवर्नमेंट की चीजें बेच दी हैं। आईटी में केवल अगर विदेशी कंपनियां ना हो तो जॉब ना होता। अगर आप अगर आईटी से मैकेनिकल से हैं तो प्लेसमेंट 50% हो गया है। क्योंकि सुनिए सुनिए, मेन बात यह है, कोई भी गरीब आदमी मीडियम फैमिली में अपना पूरा पैसा बच्चे पे लगाता है, वो जेई की तैयारी करवाता है या तो नीट की तैयारी करवाता है। यदि आईआईटी निकालने के बाद भी उसका लाइफ सिक्योर नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन, मैं हूँ या कोई और? मैं इस पे नहीं कि गवर्नमेंट कौन सी, कांग्रेस के समय में भी यही प्रॉब्लम था और आज भी यही प्रॉब्लम है। और सुनिए सुनिए, क्या पहले बीटेक कितने बच्चे करते थे, आजकल बीएससी कोई नहीं कर रहा। एक सेकंड, डिग्री की वैल्यू घट गई है, डिग्री की वैल्यू घट गई है। पहले आईआईटी यूपी में एमबीबीएस की पहले केवल 700 सीट थी, माइंडेड मेरे टाइम में 96 या 95 में यूपी में एमबीबीएस की 700 भी, 7 मेडिकल कॉलेज थे टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, 7 या 8, ठीक है, आज कितने हो गए हैं? तो आपको क्या लगता है कि नहीं, आपको क्या लगता है कि जो चीज अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से आप कंपैरिजन, एक सेकंड पहले मेरा क्वेश्चन, मेरा कितने एम्स खुला उसमें, हाँ एग्जैक्टली, आप रिक्रूटमेंट पे जा रहे, आप रिक्रूटमेंट पे जा रहे हो या वहाँ पे कितना इनटेक हो रहा है उस पे जा रहे हो? जब इनटेक इनटू 100 times है, इनटेक इनटू 100 times, अगर इनटेक इतना ज्यादा हो रहा है तो भाई स्टूडेंट्स की क्वालिटी उतनी डाउन हो रही है। तो इंटेक बंद कर दो फिर, हाँ तब बंद, फिर भी आप लोग गाली दे, नहीं तब फिर आप लोग ना इंटेक। आज की तारीख में हर मोहल्ले के मोड़ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है एंड वो चाहता है उसका हर बच्चा बीटेक करने के बाद में। एक सेकंड जंतर मंतर पे जाके पहलवानों की भी स्थिति कर देख लीजिए, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल और सब लाते हैं, क्या 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 उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है वो वहाँ पे ना। सुनो पॉलिटिक्स हुई, सुनो, अरे सुनो यार, सुनो जंतर मंतर पे जाओगे ना उसमें ना 88% ना लोग ऐसे है ना जिसको पता ही नहीं कि साक्षी मलिक क्या की है, उसको पता ही नहीं है, सिर्फ ना एक सिंपल सी चीज है, आज गली के हर मोड़ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, इतने बच्चे बीए नहीं कर रहे जितने बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे बीटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी क्वालिटी वो नहीं है और सब चाहते हैं कि फिर उन्हें इंजीनियर बना दिया जाए। अच्छा चलिए, जिस तरीके से वो अभी बोल कर गए हैं कि मोदी जी का नाम अडानी से बहुत जुड़ता है, बता दीजिए थोड़ा जवाब। अडानी की जरूरत देश में ना, कोई देश को नुकसान नहीं हुआ, लोगों को रोजगार ही मिला। अभी यही बात किसी और पार्टी के साथ जुड़ी होती ना तो उसको बीजेपी इतना हुआ बना देती, प्रोपेगंडा बना देती, उसमें सब लोग कहते हैं एकदम बीजेपी वाले सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 14 के बाद आए। अडानी को फर्स्ट टाइम लैंड कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गुजरात में दिया था, ठीक है। रिलायंस को पहला जो लाइसेंस है वो कांग्रेस ने दिया था। इंडिया में कब्जा था लाइसेंस पे बजाज और कुछ और ग्रुप्स का, बेसिकली अगर आप 84 तक देख रहे हैं, लेट 80s तक देख रहे हैं, जब तक कि नरसिम्हा राव के टाइम में लिबरलाइजेशन नहीं आया, कुछ सिलेक्टेड फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट या ग्रुप्स थे जिन्हें सारे लाइसेंस मिला करते थे, आज सबको मिल रहे हैं, सबके लिए ओपन है। अगर अडानी को आपके इसमें जाके लाइसेंस मिल रहा, कोल माइंस मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या ये इंडिया के लिए बढ़िया नहीं है? और कौन सा ऐसा देश है जो अपने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करता है? प्राउड मोमेंट है ना इंडियन के लिए, जितना भी प्राउड मोमेंट है सबका क्रिटिसाइज करना है विपक्ष का। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राफेल है, एक सेकंड मैडम राफेल एक फाइटर बीजेपी का और क्या हूं, हां आपको बोल दे कि आप समाजवादी पार्टी के, नहीं नहीं हम नहीं समाजवादी, आपको बोल दे आप समाजवादी कर रहे हैं क्या? नहीं हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम आपसे भी कहां झगड़ा करेंगे जी, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। मेरे पापा की इनकम 2010 तक
अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया थी, अभी वो 2-3 लाख कमाते हैं, पर अडानी की इनकम 11,000 से 10 लाख करोड़ हो गई, ये कौन सा जोमेटो की कितनी हुई है? क्यों टेंशन ले रहे हैं यार, वो भी गरीबी था ना भाई, करो भाई 2 नंबर से बना, क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों बराबरी करना चाहते हो आप लोग? अरे भाई जिस देश में अभी इनको दिक्कत हो रही है, अच्छी तरक्की करते हैं क्या? एक सेकंड, आपने जोमेटो की का वैल्यूएशन कितना है अभी? कितना है? कितना था? 0 था, 4,000 करोड़ हुआ, कितने गुना हो गया? कितने गुना हो गया भाई? ये नायका है, ये जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि आज की तारीख में इनका वैल्यूएशन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है, कैसे हो गया? वहाँ तक पहुँचने का पॉपुलेशन को कितने साल में पहुँचे हैं? नायका पे मैंने रिसर्च नहीं किया है तो मैं नहीं बता सकता, इसका मेरे पास एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है। आप रिसर्च नहीं करोगे उस पे? आप उस पे रिसर्च नहीं करोगे? आप अडानी पे रिसर्च करोगे? मुझे ये बताइए, कोई अच्छी बातें बोलने लग जाए तो वो बीजेपी का आदमी हो जाता है क्या यार? इंडिया की पब्लिक वो है जिसे सिस्टम चाहिए, चाइना का फैसिलिटी मतलब चाहिए, चाइना का साम्यवाद चाहिए और आजादी चाहिए यूएस की। कोई चाइना में जाके सेटल नहीं होता है, सब यूएस या कनाडा जो कि पूंजीपति देश है वहीं पे जाके सेटल होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, राफेल, फ्रांस का राष्ट्रपति इंडिया आता है वो राफेल को बेचता है, राफेल एक प्राइवेट प्रोडक्ट है, फ्रांस की सरकार का नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट आता है वो F-16 F-18 को बेचता है इंडिया में। अगर इंडिया की गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है तो कुछ गलत नहीं है। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर आपने जनता की राय सुनी लोकसभा चुनाव को लेकर कि वो 2024 में किसे देखना चाहती है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।